बलरामपुर नगर निकाय निर्वाचन 2023 मतदान डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार एवं पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के कुशल मार्गदर्शन में निष्पक्ष सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगर पालिका बलरामपुर उतरौला एवं नगर पंचायत तुलसीपुर गैसड़ी पचपेड़वा में मतदान बूथों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया एवं मतदान कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। मतदाताओं ने बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज जनपद बलरामपुर में पूरे 5 नगर निकायों में वोटिंग प्रारंभ हो गई है सुबह 7 बजे से, और सारा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो सारे फील्ड में जाकर के एक एक बूथ को चेक कर रहे हैं। कई बूथों का निरीक्षण मेरे और एसपी के द्वारा भी किया गया। बरेली जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही पार्षद प्रत्याशियों ने जनता के बीच जाकर मीठी मीठी बातें कर जनता का दिल जीतने में लगे हुए हैं। मगर एक पार्षद प्रत्याशी वार्ड संख्या 73 गोविंदपुर में ऐसा भी है जो जनता के वादों पर काम करके दिखाने का दम रखता है। ऐसा ही नाम है शुभान खान का। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे पहला काम क्षेत्र की गलियों में पक्की सड़क बनवाना, साफ सफाई करवाना, पक्की नालियां बनवाना और सरकारी योजनाएं जो कि कोई पार्षद नहीं ला पाया अपने क्षेत्र की जनता के बीच लाने का काम करूंगा। शुभान खान ने बताया कि आजादी से लेकर आज तक हमारे गाँव का पार्षद नहीं बना है और हमारा गाँव बहुत ही पिछड़ा हुआ है। गाँव में कोई विकास नहीं है, नाली खरंजा लाइट का बुरा हाल है। मैं अपने गाँव की जनता से कहना चाहूंगा कि अपने गाँव का ही पार्षद चुने और मुझे अपने वार्ड की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारे मुद्दे ये है भाई, हमारे गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। सबसे मेन मुद्दा हमारा है गांव के सीसी रोड कराना और नालियों की सफाई व्यवस्था कराना, स्ट्रीट लाइटें लगवाना और बच्चों के लिए एक पार्क बनवाना खेलने कूदने वाला और एक खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनवाना। चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि 11 तारीख को आने वाले चुनाव में सारे गिले सभी भूल के किसी के बहकावे में ना आके कोई भी अफवाह ना उसको करके सारे गिले सभी भूल जाएं इस समय और एक ही मुद्दा याद रखें कि हमें इस बार अपने गांव का सभासद बनाना है। एमपी के गुना राघोगढ़ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नरसिंह भगवान की जयंती पर बुनकर समाज द्वारा राघोगढ़ में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग एकत्रित हुए। राघोगढ़ के मुख्य चौराहे से पूरे शहर में नरसिंह भगवान की शानदार पालकी निकाली। जगह जगह राघोगढ़ की जनता के द्वारा किया गया भव्य स्वागत। मेयर मोहल्ला चौराहे पर मेयर समाज युवा संकलय समिति के सदस्य जिसमें धर्मेंद्र मेयर अध्यक्ष, शेखर मेयर, राजकुमार मेयर, माधव मेयर, जगदीश पहलवान, रवि मेयर, करण मेयर आदि लोगों ने भव्य स्वागत किया। राजस्थान मनोहर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कामखेड़ा में राजीव गांधी केंद्र में राहत कैंप का आयोजन राहत कैंप का 10वां दिन रहा, जिसमें बड़ी संख्या में आए हुए ग्रामीणों का पंजीयन, लगभग 1060 लोगों का पंजीयन किया। इस राहत कैंप में निम्न कार्मिक प्रभारी राजेंद्र कुमार मीना, RYM सत्येंद्र पाल नागर, कंप्यूटर अनुदेशक जगदीश प्रसाद लोधा और ई मित्र संचालक भूरालाल मीना उपस्थित रहे। RYM सत्येंद्र पाल नागर ने राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिल योजना, रोजगार गारंटी योजना, शहरी क्षेत्र के परिवारों को प्रत्येक वर्ष 125 दिवस का रोजगार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी दी, ताकि समाज के अंतिम छोर तक बैठे हुए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। माँ साहब एक तो ताने 500 में सिलेंडर में लगो 500 रुपया 1117 भी बुरा हो लेकिन सब्सिडी तक अकाउंट में जाओगे 500 रुपया में सिलेंडर में लगो। लखीमपुर खीरी थाना सिंगाही के ग्राम पंचायत खैरीगढ़ के पास मोटे बाबा स्थान के पास सरजू नदी में पहुंच के लिए गए एक लड़के को मगरमच्छ ने खींच लिया। आपको बता दें कि चकरा निवासी लवकुश गुप्ता पुत्र राम नरेश गुप्ता अपने गांव के लोगों के साथ में खैरीगढ़ के मोटे बाबा स्थान पर भंडारे के लिए आया था और शौच करने के लिए नदी के पास गया था, तभी मगरमच्छ ने हमला करके उसे पानी में खींच लिया। लड़के का अभी कोई पता नहीं चल पाया है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? चखरा। क्या करने आए थे यहाँ पे आज? भंडारा खाने के लिए। भंडारा के लिए?
अच्छा, चखरा से यहाँ भंडारे के लिए आए थे, किस स्थान पे? मोटे बाबा पे। क्या हुआ यहाँ पे, कुछ कैसे घटना हो गई? जैसे कि सुनने में आया है कि आपका भाई था जिसको मगरमच्छ खींच के ले गया है, क्या था कुछ पूरी जानकारी बताएंगे? आया था सोच के लिए, सोचने गया जी, आया मगरमच्छ खींच लिया, हमने डरबरा के भाग लिया। अच्छा, आपने क्लियर देखा है कि मगरमच्छ खींच के ले गया है, उसके बाद आपने शोर नहीं किया? प्रयागराज पुलिस आयुक्त रमित शर्मा व जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार खत्री ने गुरुवार दोपहर को नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के मतदान के अवसर पर कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय हरवारा, पुलिस मॉडल स्कूल धूमनगंज व मैरी लुक्स स्कूल एंड कॉलेज में बने मतदान केंद्रों का भ्रमण कर मतदान केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं एवं मतदान की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मतदान प्रक्रिया को सकुशल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करते रहे। उन्होंने वहां पर प्रत्येक मतदेय का निरीक्षण किया। आज नगर निगम के 1180 बूथ में पोलिंग शुरू हो चुका है, सब जगह हमारी पोलिंग प्रारंभ हो गई, पीसफुली मतदान चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि मेरी वाना माकर स्कूल, यहाँ पर हम लोगों ने आदर्श बूथ बनाया है और यहाँ पर हम लोगों ने जो वरिष्ठ नागरिक जन है या दिव्यांग जन है उनके लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। हमारे यहाँ पर नगर निगम और सारी नगर पंचायत में पीसफुली मतदान हो रहा है। संवेदनशील एरिया को लेकर किस तरीके से? संवेदनशील क्षेत्रों के लिए हम लोगों ने 67 स्थानों पर वीडियो कैमराज लगाए, वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया है और जो भी मतदाता उनकी हेल्प के लिए भी हम लोगों ने वहां पे BNO को तैनात कर रखा है। तो सब जगह अच्छे से स्वतंत्र और निष्पक्षतापूर्वक मतदान हो रहा है। राजगढ़ जिले की विधानसभा खिलचीपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम छापीहेड़ा में जीरापुर से छापीहेड़ा आने वाले राजमार्ग रोड पर स्थायी शराब का ठेका खुलेआम शराब पी रहे लोग रोड पर बैठकर राजमार्ग रोड से 1 फीट की दूरी पर ठेका उपलब्ध है, जिस रोड पर मंत्री जी भी निकलते हैं, विधायक जी भी निकलते हैं। इस रोड पर किसी की निगाह नहीं पहुँच रही है। इसको देखा जाता है कि सरकार की दबंगई या आबकारी विभाग की दबंगई, क्योंकि एक तरफ तो उमा भारती शराबबंदी का हंगामा खड़ा कर रही है तो दूसरी ओर खुलेआम बीच रोड पर बैठकर शराब पी जा। सहारनपुर भाजपा से महापौर प्रत्याशी डॉक्टर अजय ने जैन डिग्री कॉलेज में बने बूथ में अपने मत का प्रयोग किया, बताया मतदान का प्रयोग करना लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया है, यह बहुत ही हर्ष का विषय है। प्राथमिकताओं को लेकर उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में जितने भी नागरिक हैं उनके जीवन को गुणात्मक बदलाव लाना है, बाकी सब कुछ चीज इसके आसपास ही घूमती हैं। मतदान का प्रयोग करना लोकतंत्र व्यवस्था में सबसे बड़ा प्रदत्त अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया है, तो उसका प्रयोग किया है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है। अगर आप आगे जीत कर आते हैं तो क्या कुछ सबसे पहली प्राथमिकताएं आपके लिए? देखो, पहली और आखिरी नहीं है, प्राथमिकता एक है कि नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले जितने भी नगर के नागरिक हैं उनके जीवन में गुणात्मक बदलाव लाना, यही प्राथमिकता है। बाकी सब कुछ चीज़ें इसके आसपास घूमती है और यही धुरी होगी कार्य करने की। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।